खरगोन के प्रभारी एसपी रोहित काशवानी ने बताया, एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर दंगे के दौरान फायर करने वाले वसीम उर्फ मोहसिन से रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद वसीम की निशानदेही पर देसी पिस्टल बरामद कर ली है। यह पिस्टल वसीम ने दंगे में इस्तेमाल कर फायर होते समय कुंदा नदी किनारे फेंक दिया था। पिस्टल उसने तूफान सिंह से खरीदना कबूला है। किसी साजिश के तहत पिस्टल खरीदने के सवाल पर कहा, यह जांच का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 10 तारीख को रामनवमी के जुलूस के बाद जो पथराव हुआ था उसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय जब गए थे और उनको गोली लगी थी, उसमें जो आरोपी था वसीम और मोहसिन उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको 3 दिन में पुलिस रिमांड में लिया गया। उससे पूछताछ की गई और उसके बाद जो उससे जो हथियार वो जिससे गोली चली थी वो पुलिस ने बरामद किया। वो कुंदा नदी के किनारे उसने फेंक दिया था जब वो भाग रहा था, वहाँ से घास में था, हमने बरामद किया है वो हथियार। और उसके अलावा इससे और भी पूछताछ हुई है कि कहाँ से आया है, तो इसने कोई बताया है कि यहाँ पर तूफान सिंह नाम का व्यक्ति उससे लिया है, तो उससे भी हम लोग आगे भी पता करेंगे। और उसके लिए इनकी तैयारी थी क्या कि पहले से जिस तरीके से इसने पहले से ही खरीदा? अभी इस चीज़ का कोई ऐसा नहीं है, बाकी इस बारे में भी अभी हम और पता करेंगे इसके बैकग्राउंड और अन्य लोग जो भी बात है। सर ये पिस्टल है कि बनी हुई है? ये हाँ देसी कई बना हुआ है, तो हम जो इसके सोर्स हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैसे पूरे शहर में CCTV भी लगाए हैं? पूरे शहर में अभी हमारी बात हुई है DM मैडम से, तो इसका प्लानिंग चल रही है और CCTV लगाए जाएंगे। अभी पहले जो शहर के सेंसिटिव स्पॉट से जहाँ पर ऐसी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ हुई है उनको कवर किया जा रहा है। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो? अभी तक 68 प्रकरणों में 175 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अच्छा 175 ही? अच्छा, जिसने शरण दी थी उनके खिलाफ कोई अभी तक कोई एक्शन लिया? अभी हम जो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये गया और जो जिन लोगों ने इसकी हेल्प की उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।